हेलो वेलकम गाइस। तो अभी हम देखते हैं कि डीएसएलआर से कैसे भी रिकॉर्डिंग की जाती है, कि यानी कि डीएसएलआर कैमरे से रिकॉर्डिंग कैसे करें। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे ऑन ऑफ और यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन बना है। तो आपको क्या करना है, एक एंड दो, ठीक है, ये पॉइंट को आपको वीडियो के उस पर होना चाहिए। आपने क्लिक कर दिया तो देखो ऑलरेडी ओपन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के लिए होता क्या है कि ये आपको सामने एक बटन दिखी होती है कैमरे की, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे, और जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपकी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये वीडियो देखो चल रही है, यहाँ पे आपका टाइमिंग शो होगा और सामने जो स्क्रीन में दिख रहा है वो सारी चीजें स्क्रीन में आपको दिखेंगी कि क्या क्या चीजें रिकॉर्ड हो रही है। तो आप अपना अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। और आप ये देखो, ये जो होता है यहाँ से हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं आसानी से, जो आपने लेंस लगा रखा है। तो देखो ये जूम इन और जूम आउट आसानी से हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो अब आपको क्या करना है, अगर रिकॉर्डिंग को ऑफ करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे एक बटन होती है, वही जो बटन आपने स्टार्ट किया था स्टार्ट करने के लिए, उसी बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी वीडियो सेव हो जाएगी, ठीक है। ये आप देखो स्क्रीन टाइमर बंद हो गया। तो अब क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वीडियो आ गई है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने वीडियो बना रिकॉर्ड किया था वो आपको यहाँ पे प्ले हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपको अगर वीडियो नॉर्मली प्ले नहीं होती तो यहाँ पे सेट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ऑफ करके, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट, इस नेक्स्ट बटन को दबाना है। जो भी आपने वीडियो या फोटो खींच रखे होंगे वो सारे फोटो और वीडियोज आपको दिखेंगे अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।